जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि टूल्स और कंपोनेंट्स ऑफ जीन क्लोनिंग, तो चार मेजर टूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं जीन क्लोनिंग परफॉर्म करने के लिए। पहला डीएनए फ्रैगमेंट, सेकंड वेक्टर, थर्ड एंजाइम्स एंड फोर्थ इज होस्ट सेल। तो आज हम फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है डीएनए फ्रैगमेंट। तो डीएनए फ्रैगमेंट आइसोलेट करने के लिए बहुत प्रोसीजर्स होती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के डीएनए होते हैं जो हम लिविंग सेल से आइसोलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो तीन अलग अलग प्रकार के डीएनए होते हैं जो हम लिविंग सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं जीन क्लोनिंग परफॉर्म करने के लिए। सो द फर्स्ट डीएनए विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सेल इज टोटल सेल डीएनए, सेकेंड इज प्योर प्लाज्मिड डीएनए एंड थर्ड वन इज द फाज डीएनए। तो हम एक एक करके तीनों डीएनए देखते हैं। फर्स्ट इज टोटल सेल डीएनए। अब टोटल सेल डीएनए मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का होल जीनोमिक डीएनए या फिर क्रोमोसोमल डीएनए, उसे हम टोटल सेल डीएनए आइसोलेशन कहते हैं। कंसिडर कीजिए कि एक बैक्टीरिया है। अब हम सबको पता है कि बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड डीएनए, इन दोनों का आइसोलेशन मतलब टोटल सेल डीएनए आइसोलेशन। अब हम टोटल सेल डीएनए क्यों आइसोलेट करते हैं? तो कंसिडर कीजिए ये टोटल सेल डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म एक्स का, और हमें किसी स्पेसिफिक जीन का ही क्लोन करना है, बस इसी जीन का ही क्लोन करना है। तो हम पहले टोटल सेल डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उसमें से ये स्पेसिफिक जीन आइसोलेट करके उसका क्लोन्स बनाते हैं। तो इसीलिए टोटल सेल डीएनए का आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट है। सो हम टोटल सेल डीएनए कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो वी कैन ऑब्टेन टोटल सेल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो द नेक्स्ट डीएनए इज द प्योर प्लाज्मिड डीएनए। प्योर प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए वही स्टेप्स है जो हम टोटल सेल डीएनए को आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन द लास्ट स्टेप, द सेपरेबल स्टेप, वही बस अलग है जो जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को अलग करती है और हमें प्योर प्लाज्मिड डीएनए मिलता है। प्लाज्मिड बेसिकली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं या फिर ईस्ट में और एनी लिविंग सेल। देन द थर्ड एंड द लास्ट डीएनए इज द फाज डीएनए। अगर हमें क्लोनिंग वेक्टर फाज यूज़ करना है तो हमें फाज डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। अब फाज डीएनए कहाँ से ऑप्टेन करें? तो फाज डीएनए वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम बैक्टीरियल फाजेस। I hope you have understand the three distinct types of DNA which are required to perform gene cloning. In our next video, we are going to discuss about how to isolate these three distinct types of DNA from living cells. Thank you.